देखो शान, तुम मुझे मेरे ही कमरे में से लॉक नहीं कर सकती। मैं लास्ट टाइम तुमसे बोल रहा हूँ, गिव मी द कीज। मैं भी तुम्हें लास्ट टाइम ही बोल रही हूँ, तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी। और अब जो तुम्हारी स्वीट सी वाइफ है ना, वो काफी थक चुकी है, तो एक काम करते हैं, तुम खुद भी सो जाओ और प्लीज मुझे भी सो, ओके? टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही में ईशानी रणवीर के कमरे में होती है। मेरी आशिकी के प्रशंसकों को काफी लंबे समय बाद रणवीर और ईशानी के बीच एक रोमांटिक पल को देखने का मौका मिलेगा। सुहागरात तो नहीं कह सकते, वो जो सुहागरात का जो बिस्तर सजा था वो मेरे और रितिका के लिए सजा था, पर ईशानी रूम में पाई जाती है वहाँ पर मुझसे, और मैं घबरा जाता हूँ, और फिर ईशानी मुझे रूम से बाहर निकलने का मौका नहीं देती, रूम लॉक कर देती है वो, और मैं उसे झगड़ता रहता हूँ कि प्लीज़ मेरी माँ मुझे चाबी दे दो, मुझे रूम के बाहर जाना है, बट ये मानती नहीं है, और फिर फाइनली मैं कमरे से बाहर कूद जाता हूँ। यहाँ पे आपको पता चलेगा, कोई एक खुलेगा, खुलासा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो आपको देखने को मिलेगा, तो तब आपको पता चलेगा कि मैं इसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, क्यों बिहेव कर रही हूँ। एंड सबको पता है कि रितिका रणवीर को, मतलब रितिका कैसी है, और उसका वो किसने कितने खून वून किया, वो कितनी चुड़ैल बन चुकी है, तो इसकी वजह से मतलब इन अ गुड वे मेरी फ्रेंड है वो, प्लीज हाँ, तो मतलब सीरियल में चुड़ैल बन चुकी है, तो मैं रणवीर के साथ ऐसे होते हुए तो देख नहीं सकती ना, तो इसलिए मैं सब। ये थी एनएनएस द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट।